हेलो दोस्तों, गायत्री की रसोई में आपका स्वागत है। तो हम आज बनाएंगे काले उड़द की दाल छिलके वाली। तो उसके लिए हमने गैस पे कुकर चढ़ा दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 5 गिलास पानी, क्योंकि ये दाल हमारे बच्चों को बहुत पसंद है। तो ये हमारे 5 गिलास पानी हो गए हैं। तो दोस्तों, मेरे 5 गिलास पानी कुकर में डाल दिया है। अब हम दाल को ले लेते हैं 1.5 कप नाप के। इसमें तो हमने 1.5 कप दाल नाप ली, और जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है तब तक हम दाल को धो लेते हैं। और लो जी, हमारा पानी गर्म हो गया है। तो दाल को डालने से पहले हम इसमें सरसों का तेल 1 चम्मच डालेंगे। आप जो भी तेल यूज करते हैं वो एक दाल में ज़रूर थोड़ा सा डालें। इससे क्या होगा, हमारी दाल में झाग नहीं बनेगा। और लो जी, हमारा पानी गर्म हो गया, तो हम अपनी दाल को डाल देंगे। तो तेल ज़रूर डालिए दोस्तों, इससे हमारी दाल में झाग नहीं बनता। तो लो जी, हमने नमक भी डाल दिया। अब हम कुकर को बंद कर देंगे। इतने में हम तड़के की तैयारी करते हैं। तो हमने 10 से 15 कलियां लहसुन की ले ली, 2 मीडियम साइज के प्याज ले लिए, टमाटर ले लिया, 4 हरी मिर्च ले ली। तो लो जी, हमारी मैंने तड़के के लिए सामग्री तैयार कर ली। हमारी दाल पक गई है, तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं हमारी दाल हो गई कि नहीं। तो हमें इतनी ही दाल चाहिए दोस्तों, इतनी ही पकी हुई दाल चाहिए। तो अब हम करते हैं, कुकर को रखते हैं साइड में। हमने कढ़ाई चढ़ा दी है दोस्तों। तो चलिए, अब हमारी कढ़ाई गर्म होती है। तो हम डाल देते हैं 4 से 5 बड़े चम्मच तेल। तो हमने जो हम दाल में चमचा यूज करते हैं, मैंने उसी से डाल दिया। वैसे बड़े चम्मच से नापेंगे तो 4 से 5 चम्मच है बस। तो हमने इसमें लाल मिर्च डाल दी, जीरा डाल दिया है। अब हम हरी मिर्च डालेंगे, फिर इसके बाद अब हम लहसुन डालेंगे इसमें। तो लहसुन को क्या करिएगा, बड़े बड़े टुकड़ों में काट लीजिएगा। जैसे ये देखिए, हमने काट रखा है। अब हमारा लहसुन थोड़ा सा, सारे मसाले हमारे थोड़े हल्के से ब्राउन हो जाएं, फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। तो लो जी, हमारा प्याज भी डल गया है इसमें। चलिए दोस्तों, हमारा प्याज डल गया है। अब हम प्याज को थोड़ा अच्छा ब्राउन करेंगे। तो दोस्तों, जब तक हमारा प्याज जो है ब्राउन नहीं होता, तब तक किसी भी चीज़ में स्वाद नहीं आता, क्योंकि प्याज का कच्चापन अच्छा मुझे हमारे यहाँ किसी को पसंद नहीं। तो इसलिए प्याज को अच्छा ब्राउन करेंगे। उसके लिए हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि दाल में हमने नमक कम डाला था। तो लो जी, हमारा प्याज जो है भुन गया है। तो अब हम इसमें पिसे हुए मसाले डालेंगे। मैंने हल्दी डाल दी है। अब हम धनिया पाउडर 2 चम्मच डालेंगे, छोटे चम्मच हैं दोस्तों, बड़े चम्मच से नापेंगे तो 1 चम्मच आएगा। लाल मिर्च हमने डाल दी है, थोड़ा सा गरम मसाला हम डालेंगे। तो लो जी, हम सूखे ही मसाले भूनेंगे। फिर थोड़ा सा हम इसमें पहले से ही पानी गरम करके रख लिया था, हम पानी डालेंगे। थोड़ा सा ही पानी डालिएगा, ताकि हमारे मसाले जले नहीं। अब हम टमाटर की प्योरे भी बना ली थी, हमने वो भी डाल दी। ये सारे मसाले हम भूनेंगे। तो हमारे मसाले दोस्तों भून रहे हैं। अब हम डाल लिए हैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। इससे तीखापन नहीं आता दोस्तों, सिर्फ कलर देती है ये मिर्च। तो हमारे मसाले भून रहे हैं दोस्तों। ये लो दोस्तों, हमारे मसाले भून रहे हैं, और थोड़ा सा और भूनेंगे बस। ये लो दोस्तों, हमारे मसाले भून गए हैं। वो स्पिचला हमने हटा दिया था दोस्तों, क्योंकि इससे हमें चलाते नहीं बन रहा था। तो हमने डाल दिया है दाल को। ये जो दोस्तों, ये लो दोस्तों, हमारी दाल का कलर देखो कितना सुंदर हो गया है। अभी ये थोड़ा मिलाएंगे तो और सुंदर हो जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी दाल कुछ ऐसी हो गई है। तो दोस्तों, हमारी दाल में थोड़ा सा पानी, मतलब गाढ़ी थी, तो हमने पहले से ही पानी गर्म करके रखा था, तो हमने थोड़ा सा पानी मिला दिया। अब हम दाल को थोड़ी देर
चमचा हटा देते हैं, हम दाल को थोड़ी देर जो है ढक देते हैं, ढक के मुश्किल से 2 से 3 मिनट ही पकाएंगे, ज़्यादा नहीं। लो जी हमारी दाल पक गई है। तो देखिए दोस्तों हमारी दाल कितनी सुंदर लग रही है, आप लोग बताइए हमारी दाल कैसी लग रही है। तो अभी हम साबुत मिक्स मसाला पिसा हुआ जो है हम पहले से भून के पीस के रख लेते हैं, तो वो डाल देंगे। इससे क्या हो दोस्तों, खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता। तो हमने ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दिया है, इससे क्या हमारे बच्चों को थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसी थोड़ा घी भी डाल देते हैं तो बच्चे खा लेते हैं। मेरी बेटी को हर चीज़ में घी अच्छा लगता है। तो लो जी दोस्तों हमने धनिया भी डाल दी है, तो हमारी दाल जो है दोस्तों लगभग पूरी तैयार हो गई है। थैंक यू दोस्तों। अब हम आप दोस्तों अब आप हमारा वीडियो देखिए, और अगर पसंद आए तो लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों।